हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आज मैं आप सभी को लेकर आती हूँ शेषलम। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप शेषलम कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, यहाँ पर रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। साथ ही ये मैं कहूँगी कि यहाँ पर मेन टेम्पल मल्लिकार्जुन टेम्पल के अलावा किन किन जगहों पर विजिट कर सकते हैं और मेन टेम्पल के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। सो यदि आप भी शेषलम आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। पूरे वीडियो का आप आखिर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। शेषलम आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। यहाँ पर माँ पार्वती को ब्रह्मरम्मा देवी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इस जगह की काफ़ी मान्यता है। इस जगह को दक्षिण के कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। सो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आप शेषलम कैसे आ सकते हैं। आप शेषलम बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय बस तीनों माध्यम से आ सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से शेषलम आने का प्लान कर रहे हैं तो इसके नियर बाय एयरपोर्ट हैदराबाद में है, जहां से आप बाय बस या फिर बाय कैब शेषलम पहुँच सकते हैं। यदि आप बाय ट्रेन शेषलम आने का प्लान कर रहे हैं तो शेषलम के नियर बाय रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड है। लेकिन अगर आपके शहर से मरकापुर रोड के डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप हैदराबाद या फिर कर्नूल आ सकते हैं, जहां से आपको शेषलम के डायरेक्ट बस मिल जाएगी या फिर आप कैब बुक करके भी शेषलम तक पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। और यदि आप बाय बस शेषलम आने का प्लान कर रहे हैं तो शेषलम के नियर बाय बड़ी सिटीज़ जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कर्नूल से डायरेक्ट बस की सुविधा अवेलेबल है। सो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि आप शेषलम में कहां पर रुक सकते हैं। यहां पर कोई भी प्राइवेट होटल अवेलेबल नहीं है। यहाँ ट्रस्ट के बने हुए बहुत सी होटल, धर्मशालाएँ और डॉर्मेटरीज अवेलेबल है, जिसमें से आप मल्लिकार्जुन देवस्थानम ट्रस्ट की बनी हुई प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। रूम्स की बुकिंग के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर एसी रूम्स 700 ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा, नॉन एसी रूम 400 एंड डॉर्मेट्री आपको 200 रुपये में मिल जाएगी। हमने यहाँ पर गंगा सदन में स्टे किया है और एसी रूम के लिए हमें एक दिन के लिए 800 चार्जेस पे करने पड़े हैं। गंगा सदन में चेक इन के टाइम आपको 800 सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है और आपको स्लिप दी जाती है। ये स्लिप आपको संभाल के रखनी होती है। जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको आपके पैसे रिफंड दे दिए जाते हैं। इन केस यदि यह स्लिप घूम जाता है या आपसे कहीं खो जाता है तो आपको आपका पेमेंट रिफंड नहीं मिल पाता है, तो आप इस स्लिप को संभाल के रखिएगा। मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस रिसिप्ट की एटलीस्ट एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हमसे भी हमारी स्लिप गुम हो चुकी थी बट लकीली वीडियोस में रिसिप्ट हमारे पास अवेलेबल थी। फिर वो दिखाकर हमारी बुकिंग क्लोज हुई और हमारा अमाउंट हमें रिफ़ंड मिल गया। यदि यह स्लिप गुम हो जाती है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। और यदि यहाँ के रूम्स की बात की जाए तो यहाँ के रूम बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, डिसेंट रूम से यदि आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि मंदिर में प्रवेश से पहले और दर्शन के लिए आपको किन किन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने फुटवेयर्स बाहर सबमिट करने होते हैं और उसके अलावा यदि आप मोबाइल या फिर कैमरा वगैरह कैरी कर रहे हैं तो आप क्लॉक रूम में वहाँ पर सबमिट करके दर्शन के लिए जाएं। मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ। हमारा 5:30 बजे का दर्शन का स्लॉट है। दर्शन के लिए हमने बुकिंग ऑनलाइन ही कर ली थी। हमने सिख दर्शन के लिए बुकिंग किया है। यदि आप भी हम चाहते हैं तो आप दर्शन के लिए सिख दर्शन के लिए बुकिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी आकर बुकिंग करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले मैं दर्शन करती हूँ, उसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन आप सबसे बाद में शेयर करूँगी। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं, तो हमें मोबाइल बाहर ही रख के जाना होगा। तो चलिए चलते हैं, पहले दर्शन करके आते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करके मैं मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ। दर्शन हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए, काफ़ी शांति से हुए
और मंदिर में आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमारे दर्शन 10 to 15 मिनट्स में हो भी गए। एक्चुअली आज बहुत कम भीड़ है यहाँ पर, तो दर्शन जल्दी हो जा रहे थे। नॉर्मल डेज में आप सिख लाइन से भी दर्शन करते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। दर्शन करके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है और एक अलग ही खुशी हो रही है। अंदर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, उनके साथ यहाँ पर आप पार्वती माता के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर पार्वती माता ब्रह्मरम्मा देवी के रूप में विराजमान हैं। चलिए हम यह जान लेते हैं कि आप श्रीशैलम आ रहे तो कितने टाइप से आप दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपके दर्शन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होगा, नॉर्मल लाइन में आप दर्शन कर लीजिए। बट कभी कभी क्या होते हैं, यहाँ पे में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो आपको नॉर्मल लाइन से दर्शन करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिख दर्शन के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। सिख दर्शन के लिए आपको 150 रुपये चार्जेस पे करने होंगे। सिख दर्शन की लाइन में आपके दर्शन अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे में हो जाते हैं। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास है अति शीघ्र दर्शन का, जिसके लिए आपको 300 रुपये चार्जेस पे करने होंगे। अति शीघ्र की लाइन में आपके दर्शन अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स में आपके दर्शन हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप जिस समय यहाँ पर आए उस समय यहाँ पर भीड़ कितनी है। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन आपके पास है स्पर्श दर्शन का, स्पर्श दर्शन के लिए आपको 500 रुपये चार्जेस पर पर्सन के पे करने होंगे। इस टिकट में आप भगवान को छूकर स्पर्श करके भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है जिस तरीके से आप यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आप बुकिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। पर मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बुकिंग पहले से करवा कर आए। तो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि मंदिर में दर्शन के लिए आपको क्या ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको किस तरह का ड्रेस वेयर करके जाना होगा। सो यदि आप स्पर्श दर्शन के लिए जा रहे हैं तो फीमेल्स को साड़ी या फिर हाफ साड़ी मैंडेटरी है और मेल को धोती और कुर्ता पहनकर जाना होता है। अदरवाइज आप सिख दर्शन, अति सिख दर्शन या फिर नॉर्मल दर्शन कर रहे हैं तो कोई भी कुछ भी ड्रेस मैंडेटरी नहीं है। आप नॉर्मल कैजुअल डिसेंट कैजुअल्स में भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो एंट्री गेट पर लड्डू प्रसाद काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप अपने घर ले जाने के लिए लड्डू परचेस कर सकते हैं। पर लड्डू के लिए आपको 20 रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे। सो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि श्रीशैलम में मैन टेम्पल के अलावा हम और किन किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं साक्षी गणपति टेम्पल। सबसे पहले आज हम पहुंच चुके हैं साक्षी गणपति टेम्पल, जो कि मंदिर से अप्रॉक्स 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको बता दूं यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। मैं पीछे देख सकते हैं ये है पार्किंग एरिया। तो चलिए पहले चलते हैं गणपति जी के दर्शन करते हैं, आगे की बातें आपसे बात करते हैं। सो गाइस अभी मैं हूँ साक्षी गणपति टेम्पल में, यहाँ पर हमने गणपति जी के दर्शन कर लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीछे गणपति जी का टेम्पल है। अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, थोड़ा सा बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी वीडियो बना रही हूँ। मंदिर में दर्शन के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं देना है। दर्शन आपको बाहर से करने होंगे, यदि आप अंदर जाकर उसको दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे। साक्षी गणपति टेम्पल की ये मान्यता है कि यदि आप श्रीशैलम आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको भगवान के दर्शन करने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ पर आकर अपनी गणपति लगाते हैं। यदि आप श्रीशैलम आ रहे हैं और गणपति के दर्शन नहीं कर रहे हैं तो आपका यहाँ का दर्शन अधूरा माना जाता है। ये इस बात की साक्षी होते हैं कि आप श्रीशैलम आए थे और आपको भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन यहाँ पर किए हैं। तो यदि हमारे अभी आप यहाँ दर्शन हो चुके हैं और हम निकलते हैं हमारे अगले स्टेशन की तरफ। साक्षी गणपति टेम्पल में दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं हटकेश्वरा स्वामी टेम्पल। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। सो गाइस ये है हटकेश्वरा स्वामी टेम्पल। सो गाइस अभी हम हटकेश्वरा स्वामी टेम्पल में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। यह टेम्पल भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे से हुए, पंडित जी ने पूजा अर्चना भी कर दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है ललिता देवी माता का मंदिर। हटकेश्वर स्वामी टेम्पल में आप दर्शन करते हैं, जो सामने यह मंदिर बना वहाँ पर जाकर आप ललिता देवी माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तभी हम भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हटकेश्वरा स्वामी टेम्पल में दर्शन करने के बाद अभी मैं आप सभी को लेकर आ चुकी हूँ पालधारा पंचधारा।
यहाँ पर लगभग 150 सीढ़ियाँ उतरकर आप नीचे जाएंगे तो आपको छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा और यहाँ से आसपास के व्यूज भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। चलो पालधारा पंचधारा में घूमने के बाद अभी हम आप सभी को लेकर आ गए शिखरेश्वर स्वामी टेम्पल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्टेयर्स, इनको चढ़ के आपको ऊपर जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आपको पर पर्सन के लिए 20 रुपीज़ एंट्री चार्जेस पे करने होंगे। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का टेम्पल है जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऊपर हाइट पर जाने वाले हैं जहाँ से पूरे श्रीशैलम का व्यू दिखाई देता है। अभी मैं आप सभी को लेकर आ चुकी हूँ श्रीशैलम डैम पर, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम है जो कि 500 मीटर लंबा और 150 मीटर ऊंचा है। यहाँ से मेन टेम्पल मलने का जो टेम्पल की दूरी अप्रॉक्स 18 किलोमीटर है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। श्रीशैलम डैम घूमने के बाद अभी हम आप सभी को लेकर आ चुके हैं पाताल गंगा, जो कि श्रीशैलम की एक मस्ट विजिट प्लेस है। यदि आप श्रीशैलम आ रहे हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें। पाताल गंगा मल्लिकार्जुन टेम्पल से अप्रॉक्स 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पाताल गंगा में आपको लगभग 500 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना होगा तो आप कृष्णा नदी के दर्शन कर पाते हैं। यदि आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते तो रोपवे का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप रोपवे से भी नीचे जा सकते हैं, देन उसी रोपवे से आप अगेन वापस भी आ सकते हैं। पाताल गंगा में कृष्णा नदी के दर्शन करने के साथ साथ आप यहाँ पर फेरी राइड का आनंद भी ले सकते हैं। फेरी राइड के लिए आपका एडल्ट के लिए 80 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है, चिल्ड्रंस के लिए 60 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है। पाताल गंगा में कृष्णा नदी के दर्शन करने के बाद अभी हम आप सभी को लेकर आ चुके शिवाजी स्फूर्ति केंद्र। यहाँ के एंट्री चार्ज 20 रुपीज़ पर पर्सन है। शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में शिवाजी महाराज की 15 फीट ऊंची प्रतिमा है जो सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सामने अष्ट प्रधानों का मंत्रिमंडल है। दीवारों पर शिवाजी के जीवन और इतिहास की विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाले चित्र बने हुए हैं, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे जीवन काल का वर्णन किया गया है। शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में एक ध्यान कक्ष भी बना हुआ है जहां पर तलवार और मुकुट के बिना तपस्वी रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के दर्शन होते हैं। यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज मां ब्रह्मरमा देवी की साधना कर रहे और उनकी तलवार और मुकुट बाजू में रखी हुई है। सो यह थी श्रीशैलम की कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस जहाँ पर आप श्रीशैलम आ रहे हैं तो विजिट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि श्रीशैलम आप किस माध्यम से घूम सकते हैं। श्रीशैलम में घूमने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है ऑटो रिक्शा का। ऑटो रिक्शा आपको रैंडमली किसी भी जगह पर मिल जाएगा। यदि आप शेयरिंग में घूमना चाहते हैं तो आपको 150 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगेगा। वहीं यदि आप श्रीशैलम डैम भी कवर करना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ पर पर्सन का आपको चार्ज लग जाएगा। और यदि आप चाहें तो पर्सनली भी ऑटो रिक्शा बुक करके घूम सकते हैं। यदि आप ऑटो रिक्शा बुक करते हैं तो आपका जो चार्ज लगेगा वो 800 से 1000 रुपीज़ के बीच में लगेगा। हमने भी श्रीशैलम में घूमने के लिए ऑटो रिक्शा हायर किया जिसका हमें 1000 रुपीज़ चार्ज लगा, क्योंकि हमें श्रीशैलम डैम भी कवर करना था। यदि आप श्रीशैलम डैम कवर नहीं करना चाहते तो आपको 800 रुपीज़ में आप वहाँ के आसपास की सारी जगह घूम सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि श्रीशैलम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो श्रीशैलम में आपको ईजीली नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दोनों तरह का खाना मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप श्रीशैलम घूमने कब आ सकते हैं। तो वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, बट यदि मौसम की रिगार्डिंग बात की जाए तो सितंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना रहता है, तो इस टाइम आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस, यह था हमारा श्रीशैलम का व्लॉग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।